गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज की रेसिपी है राजमा चावल। तो राजमा बनाने के लिए मैंने राजमा को ओवरनाइट पानी में सोख करके रखा हुआ था। आप चाहे तो इसे बनाने से 5-6 घंटे पहले भी सोख करके रख सकते हैं। और अब मैंने इसे बॉईल कर दिया है। याद रहे ये ज्यादा बॉईल ना हो क्योंकि अभी इसे पकना भी होगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक टमाटर और एक आधा कटे टमाटर की प्योरी बना ली है। आप चाहे तो इसकी जगह टोमेटो प्योरी भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ मैं दूसरे पेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है जिसके मैं 5-6 भाग करके ब्लेंडर में डालूंगी। और फिर मैं ये इस छोटे से अदरक की भी 2-3 भाग करके डाल रही हूँ। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 5-6 लहसुन की कलियां। और आखिरी में मैं ये 4-5 लाल मिर्च, खड़े लाल मिर्च डाल रही हूँ। और इसका मैं अब पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए ये पेस्ट बनके तैयार है। और अब मैं एक और छोटा प्याज ली हूँ जिसको मैं चॉप करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इसको चॉप कर दिया है। आप जैसे भी शेप में इसको चॉप कर सकते हैं। और मैं इसमें 4 मसाले यूज करूंगी। सबसे पहले एवरेस्ट का राजमा मसाला है, आप किसी भी कंपनी का ये ले सकते हो। फिर ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर। राजमा बनाने की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब आते हैं मेन स्टेप पे। तो मैंने ये एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डालूंगी चॉप किए हुए प्याज। और इसको मैं हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। याद रहे गैस की फ्लेम मीडियम रहे। ये देखिए प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च वाला पेस्ट। और इसको 2-3 मिनट तक पकाते रहेंगे जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मसाला धीरे धीरे तेल छोड़ने लगा है। ये देखिए मसाला तेल पूरा छोड़ चुका है। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटर का पेस्ट या फिर आप टोमेटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। और इसे भी हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे जब तक इसका भी तेल छोड़ने ना लगे। ये देखिए अब इसका भी तेल छोड़ने लगा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। तो उसके लिए मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी ली है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और इनको इसमें मिक्स करके हम 0.5-1 मिनट तक पकाते रहेंगे। और अब हम इसमें राजमा मसाला यूज करेंगे। और राजमा मसाला मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। आप चाहे तो अपने राजमा की क्वांटिटी देखकर अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और इसको भी हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे जब तक इस मसाले का भी तेल छोड़ने ना लगे। ये देखिए धीरे धीरे मसाला तेल छोड़ने लगा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं।
ये देखिए मसाला पूरा तेल छोड़ चुका है और कलर कितना बढ़िया आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बॉईल किए हुए राजमा और उसको हम अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करेंगे। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। आप अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी यूज़ कर सकते हैं और इसको मैं 1 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अब इसे ज़रूरत है 3 से 4 सीटियों की, जिसके लिए मैं कुकर का ढक्कन बंद करने वाली हूँ। और याद रहे गैस की फ्लेम लो से मीडियम कर दें। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने राजमा स्टार्टिंग में ज्यादा बॉईल कर लिया है तो आपको सिर्फ 2 से 3 सीटियां ही लगानी है। कुकर को मैंने दूसरे गैस पर रख दिया है और अब हम बनाते हैं चावल। तो चावल बनाने के लिए पहले मैंने ये सिंपल चावल बना के ऑलरेडी रख लिया था। आप सोच रहे होंगे चावल में क्या बनाना, आप सिंपल चावल भी राजमा के साथ खा सकते हैं, पर मैं जिस तरीके से खाती हूँ मैं आपको वो बताऊंगी। मैं थोड़ा फ्राई करती हूँ चावल को। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। घी गर्म होने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह जीरा भी ऐड कर सकते हैं और बहुत लोग चावल फ्राई करते टाइम करते भी हैं, बट राई मैं यूज करती हूँ और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए राय जब पकने लगे तो इसमें मैं ये 1 प्याज चॉप किया हुआ डालूंगी। याद रहे कि इसे सिर्फ हल्का ही ब्राउन पहले करना है क्योंकि इसमें चावल ऐड करना होगा। और जब आप चावल ऐड करोगे तो फ्लेम की मीडियम लो रखना। ये देखिए अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये देखिए मैंने चावल को राई और प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें नमक डालूंगी। याद रहे नमक आप थोड़ा कम ही डालो क्योंकि इसको आपको राजमा के साथ खाना है और राजमा में ऑलरेडी नमक है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और मैं एक बात आपको बताना चाह रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्याज को सिर्फ हल्का ब्राउन ही करना है। वो इसलिए क्योंकि आप अगर ज़्यादा ब्राउन कर देंगे और फिर आप चावल ऐड करेंगे तो चावल मिक्स करते टाइम प्याज जलने का डर रहता है। जो लास्ट स्टेप है मेरा वो बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं इसमें फूड कलर भी ऐड करती हूँ लुक के लिए। आप चाहे तो ना भी कर सकते हैं, पर ये रेड फूड कलर ऐड करने से इसका जो लुक आता है वो आप खुद ही देख लें। ये देखिए चावल देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अब इसको मैं पूरी तरीके से मिक्स करूंगी और थोड़ी देर पकने के लिए और छोड़ दूंगी। और गैस की फ्लेम याद रहे मीडियम। ये है चावल का फाइनल रिजल्ट और आप खुद ही देख लें कितना डिलीशियस और कितना अट्रैक्टिव लगने लगा है। और हमारा राजमा भी बनके तैयार है।